हम और आप जिस सूरज को देखते हैं वो एक तारा है जो आज से करीब 450 करोड़ साल पहले बना था। जैसे आप आसमान में कई सारे तारा देखते हैं, वैसे सूरज भी एक तारा ही है जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं, सभी सूरज के दिए हुए रोशनी से ही चमकता है। सूरज का ग्रेविटी इतना ज्यादा है कि पृथ्वी पर मौजूद आपकी वजन अगर 60 किलो है तो आप अगर सूरज में जाएंगे तो वहां पर आपकी वजन करीब 1680 किलो हो जाएगा। आपकी नसें फट जाएगी, आपकी हड्डियां टूट जाएगी, यानी आप मर ही जाएंगे। लेकिन सूरज का जन्म आखिर कैसे हुआ? सूरज कितना बड़ा है? सूरज तक पहुंचने में हमें कितना दिन लगेगा? और हमारा आदित्य L1 सूरज के करीब जाकर क्या करेगा? ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दरअसल अंतरिक्ष में कुछ भी होता है वह एक हादसे के बाद ही होता है, और सूरज के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज से करीब 500 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल मौजूद थे। उन बादलों के नजदीक एक तारे की सुपरनोवा एक्सप्लोशन के कारण मौत हुई। इस विस्फोट के कारण बादलों में हलचल मच गई। ये गैस बहुत तेजी से घूमने लगी और एक गर्म डिस्क का आकार ले लिया। ये बादल विस्फोट के कारण घूमने लगे और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ने लगे, जिसके कारण बादलों के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा और ऐसे ही जन्म हुआ हमारे सूरज का। लेकिन सूरज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सूरज ना हो तो पूरा पृथ्वी में अंधेरा छा जाएगा, दिन रात का कोई मालूम नहीं पड़ेगा, तापमान इतना नीचे चला जाएगा कि बर्फ की चादर से पूरा पृथ्वी ढक जाएगा जैसा अंटार्कटिका है, सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएगा और हम भूख के मारे मारे जाएंगे। पर सूरज हमसे कितना दूर है और सूरज असल में है क्या? दोस्तों, पृथ्वी से चांद की दूरी सिर्फ 384,000 किलोमीटर है, लेकिन पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। क्या आप सोच सकते हैं कहां पर चांद है और कहां पर सूरज? चांद को अगर हम देखते हैं तो वो पृथ्वी से छोटा है, लेकिन सूरज ऐसा नहीं है। सूरज पृथ्वी से काफी बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? हम और आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी को अगर आप एक एक करके सूरज के अंदर डालते जाएंगे तो आप 13 लाख पृथ्वी को सूरज के अंदर डाल पाएंगे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सूरज हमसे कितना बड़ा है। दोस्तों, सूरज से जो रोशनी निकलता है वो करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है, और सूरज से पृथ्वी तक रोशनी आने में सिर्फ 8.5 मिनट का समय ही लगता है। आप सोचिए दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी लाइट पार कर रहा है सिर्फ 8.5 मिनट में। आपको बताता चलूं कि इस दुनिया में प्रकाश यानी लाइट ही एक ऐसी चीज है जो इतनी गति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि प्रकाश का कोई मास होता है या नहीं? नीचे कॉमेंट करके बताए। अब बात आती है कि सूरज इतना गर्म क्यों है? इसके अंदर ऐसा क्या है जो इतनी गर्मी उगल रहा है, और इसका टेम्परेचर क्या है? आपको बता दें कि हम पृथ्वी से जो सूरज को देखते हैं वह सूरज के ऊपरी हिस्से को देखते हैं, यानी सरफेस को। पर सूरज के कोर के अंदर जो तापमान है वो हमारे सोच से बाहर है। सूरज के कोर का टेम्परेचर है करीब 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस। आप भूल कर भी पृथ्वी के तापमान से इसका तुलना मत कीजिएगा, नहीं तो आपका दिमाग हिल जाएगा। हमारे यहाँ 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर हम पसीने से भीग जाते हैं, और सूरज तो खैर छोड़िए। सूरज की जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी सूरज का सबसे कम तापमान, वो है 5,500 डिग्री सेल्सियस। ये ऊपर के हिस्से का तापमान है जहाँ पर सबसे कम गर्मी है। दरअसल दोस्तों, सूरज के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन करीब 70% है और हीलियम करीब 27%। सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसके तहत हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी से ही हमें ऊर्जा मिलता है। ऐसा मानो कि सूरज के अंदर हर एक सेकंड में लाखों करोड़ों न्यूक्लियर बम एक साथ विस्फोट हो रहा है, और इतना सारा ऊर्जा पैदा करने के लिए सूरज का वजन कम होता जा रहा है। एक सेकंड में सूरज का वजन करीब 40 करोड़ किलोग्राम कम हो रहा है। सूरज के इस तापमान के ऊपर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया था,
जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि सूरज के इस तापमान की अगर एक सेकंड का भी सही इस्तेमाल किया जाए तो अमेरिका को आने वाले 38,000 साल तक कोई भी बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सोचिए कि सूर्य के पास कितना ऊर्जा है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी में जो पानी है उसके 30% पानी सूरज की गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ जाता है और इसीलिए पृथ्वी और पानी के अंदर बैलेंस हमेशा ठीक बना रहता है। पर दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं वैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते हैं, तो फिर सूरज किसका चक्कर लगा रहे हैं? इसका जवाब है कि सूरज हमारे आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है और हमारा आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में सूरज को करीब 25 करोड़ साल लग जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सूरज हमेशा ऐसा ही बना रहेगा या फिर सूरज का भी एक दिन अंत होगा? दोस्तों, कोई चीज पैदा होता है तो उसका अंत जरूर होता है और सूरज का भी अंत होगा। सूरज ने अपनी आधी जिंदगी पार कर ली है और करीब 500 करोड़ साल के बाद यानी 5 अरब साल के बाद सूरज का अंत होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सूरज हर एक सेकंड 40 करोड़ किलोग्राम कम होता जा रहा है। एक दिन सूरज के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो चुका होगा और सूरज एक दिन रेड जायंट यानी बड़ा तारा बन जाएगा जो अपने आसपास के हर एक ग्रह को निगलेगा और सूरज के अंत के साथ साथ इस सौरमंडल का भी अंत होगा। वो पहले बुध को निगलेगा, उसके बाद शुक्र को निगलेगा और उसके बाद बारी आएगी हमारी पृथ्वी की। पर पृथ्वी को निगलने से पहले ही पृथ्वी की जिंदगी समाप्त हो चुकी होगी और पृथ्वी में कुछ नहीं बचा होगा। पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि यहाँ से सारी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारे पेड़ पौधे जलकर राख बन जाएगा और समुन्द्र का पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इतना जोखिम लेकर सूरज के आगे जाने का क्या मतलब है? तो आपको बता दे कि आज तक सूरज के पास करीब 22 मिशन किए जा चुके हैं जिनमें से ज्यादातर नासा ने ही किया है। इसके अलावा जर्मनी ने और यूरोपियन यूनियन ने भी किया है और अब हमारा इसरो करने जा रहा है। अब आदित्य L1 मिशन जो नाम है इसमें आदित्य सूर्य का ही एक और नाम है और L1 है एक ऑर्बिट का नाम जो सूरज और पृथ्वी के बीच में है। ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर न पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच पाएगा न सूरज उसे अपनी तरफ खींच पाएगा। तो ये बिल्कुल सही जगह है आदित्य L1 को रखने का। तो हमारा अंतरिक्ष यान यहाँ पर जाकर बैठ जाएगा और सूरज को स्टडी करेगा। अब सोचिए कि सूरज हमसे दूर है 15 करोड़ किलोमीटर और हम जा रहे हैं सिर्फ 15 लाख किलोमीटर की दूर पर, यानी तब भी सूरज हमसे 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर होगा। इसरो यहाँ पर जाकर यह पता करेगा कि सूरज की किरणें आखिर काम कैसे करता है, सूरज के अंदर इतना ऊर्जा कैसे पैदा हो रहा है और आने वाले समय में सूरज की किरणें हमारे ऊपर क्या रिएक्ट करेगा और सूरज के तापमान को हम और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी जानकारियां आदित्य L1 से हमें मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आने वाले दिन में हमारे मौसम पर सूरज का क्या प्रभाव होगा ये भी आदित्य L1 पता करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इसरो के साइंटिस्ट को प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।